पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से फेक डेथ एक पब्लिसिटी स्टंट था, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस स्टंट के पीछे मार्केटिंग की कौन सी तिकड़म लगी है, आइए आपको बताते हैं। वॉरफेयर की एक टेक्निक है गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वार किया जाएगा? गोरिल्ला उरिल्ला पढ़े हो के ना पढ़े हो? जिसका इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध में अक्सर किया करते थे। इसी वॉर का महत्वपूर्ण एलिमेंट है सरप्राइज, अचानक सा हमला करना और विपक्षी को शॉक कर देना। इसी से मार्केटिंग का एक नया तरीका इजाद हुआ जिसे गोरिल्ला मार्केटिंग कहते हैं। इट इज एन अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ मार्केटिंग जिसमें ऑडियंस को शॉक किया जाता है, जिससे आपका प्रोडक्ट या सर्विस सुर्खियों में आ जाता है, जैसा कि पूनम पांडे ने अपनी डेथ की न्यूज के जरिए किया। ऑफ कोर्स किसी की डेथ से ज्यादा शॉकिंग क्या ही हो सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल है जब काजोल ने अपनी सीरीज द ट्रायल के प्रमोशन के लिए अपनी सारी इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दी और एक स्टोरी डाली, आई एम फेसिंग वन ऑफ द टफेस्ट ट्रायल ऑफ माई लाइफ। अनदर एग्जाम्पल ऑफ गोरिल्ला मार्केटिंग इज सिद्धि हिट्स शिवा के पोस्टर्स, जो कि वैलेंटाइन डे के पहले दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में देखे गए, जिसके बाद लोगों ने अलग अलग स्पेकुलेशन लगाने शुरू किए, जो कि बाद में पता चला कि कलर्स के एक शो बावरा दिल के प्रमोशन के लिए किया गया था, जिसके लीड कैरेक्टर्स का नाम सिद्धि और शिवा है। इस मार्केटिंग टेक्निक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, जैसे कि ये काफी चीप होता है, वायरल होता है और इसमें क्रिएटिव लिबर्टी काफी ज्यादा होती है, मतलब आप ऑडियंस को शॉक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके कॉन्स हैं कि इसके आउटकम काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव यह कहा नहीं जा सकता, जैसे कि पूनम पांडे के केस में काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया, इससे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है।